इनका नाम निर्मल कौर है और ये 5 साल से प्रभु में है। बोलो क्या है ये? 5 साल से प्रभु में। और यहां पे इन्हें आए इस मिनिस्ट्री में, इस चर्च में अभी थोड़ा समय हुआ है, तो इनकी बहुत बड़ी गवाही है। जब मैंने इनके मन को सुना, इनके मन की चाहत को देखा, इनका विश्वास देखा, इनका प्रेम देखा जो सच्चा प्रेम मसीह में है, और मैं, मेरा मन भी ऐसे हो गया, है ना। मैं चाहता हूं कि सब लोग ऐसे बने, ऐसा प्रेम करें वो मसीह से जैसा उसने किया। बोलो, आप सुनना चाहते हो आज इनकी बहुत बड़ी गवाही। बोलो, अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि जी 5 साल से प्रभु में इन पर दुष्ट आत्मा, मतलब दुष्ट आत्मा इन्हें सताती थी, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत से ऐसे रोग आ गए, बीमारियां आ गई, ये बहुत परेशान थी। थोड़ा सा इनसे सुनेंगे क्या क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा बताओ। हालेलुया, मेरे तो ऐड़े हिलात आ गए सी, मैनू पता नहीं, मेरे सारे ने आसमा चला दी भी ये नहीं बचना। तो मेरे पति ने भी किया भी हूँ तो इतना कर अपने पेकियां पर चले जा, तो मैं इलाज नहीं करा सकता। फिर मैं पास रखो, माइक थोड़ा पास रखो। फिर मैं मुड़ के, फिर मैं भैन मेरी गुआंढण सी, मैनू वो कह लगी भी चल तू अपना उत्थे। मैं 3 बार गई उत्थे, मैं जाद्या सार बेंद्या सार, मैनू बहुत चौंकी होंगी रही, मैं जिन्ना तक बंदगी होंगी उदों तक मैं खेडती, मेरा सिर भी पता नहीं किन्नी कर फटा, पर मेरे घरदियां ने विश्वास नहीं मेरे किया, कहते ही पखंड करती है। पर मैं परमेश्वर को यो किया, परमेश्वर मैं तेरे च ही मरांगी, तेरे च जीवांगी, पर लोग मेरे जिन्ने मर्जी दुश्मन उठ खुलाउण, पर मैं तेनू अपना दिल मन देता, मैं तेरे च ही मरना, तेरे च ही जीना। बस मैं परमेश्वर अपने नाल वधदी गई, वधदी गई, परमेश्वर मेरे च वड्डे वड्डे काम करता रहा। मैं खुदा दे हाले भी धन्नवाद यो ही करती हाँ, मैं सारी कलीसिया नूं यो कहनी हाँ कि अपना परमेश्वर नूं ना छड्डियो पर दुनिया नूं छड्ड दिओ। हाँ, तो सुनो एक चीज, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये बता रहे हैं कि इन्होंने बताया कि मैंने कितने हॉस्पिटल से अपने इलाज कराया, पंजा छिया हॉस्पिटलों से इन्होंने अपना इलाज कराया। और एक समय इनका पति इन्हें कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं, अपने मायके चले जाओ, खाम पे चले जाओ, मायके मतलब समझे पेके, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब और तेरा इलाज नहीं करा सकता, ठीक है। और ये बहुत परेशान से, जिसकी वजह से इन्हें शुभ समाचार मिला, ये गए। पर मैं ये नहीं कहता है ना जो जी बता रहे हैं, पर इन्हें ज्ञान न मिलने से परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा नाश हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की, ज्ञान अच्छा नहीं है, वहां पे ज्ञान तो अच्छा है, पर जो इन्हें चाहिए था वो इन्हें कोई समझाने वाला मिला नहीं, इसीलिए वजह से ये 5 साल से प्रभुत्व में थे। और आप कितनी चर्च में गए? 5-6 गए, 5-6 चर्चों में गए अपनी चंगाई के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। बोलो, अपने अच्छे जीवन के लिए जे 5 चर्चों में गए, तो जिस चर्च में आप गए पास्टर जी क्या कहते थे आपको? पास्टर जी कहते हैं कि मतलब तेरे घर शैतान है। हाँ, तुम्हारे घर क्या है? शैतान है। हाँ, और क्या कहते थे? नाग दा पैर आंदे ही तू चरागा नूं मंदी ऐ, इहो जी मैनूं डट कर करके वहम पाउंदे हुंदे, फिर मैं सिर ते हाथ रख के उन्होंने आखना तू अखां बंद कर, तेरे अगे कौन आउंदा? हाँ, तेरे अगे कौन आंदा? फिर मेरे अगे कुछ नहीं हुंदा, पर मैनूं चौंकी कल्ली हुंदी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपके घर आने के लिए क्या कहा आपको? 500 रुपया आंदे लगे। हाँ, अगर मैं आपके घर आऊंगा तो 500 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 500 रुपया। और ये पहले से ही परेशान या ऊपर से वो, मैं किसी सेवक पर दोष लगाने की बात नहीं कर रहा, पर मैं ये चीज बता रहा हूं कि ऐसी क्यों करते हैं लोग जो प्रभु के सेविक है। देखो, वो एक तो वो पहले डरे हुए हैं अपनी बीमारी से, परेशान है, और दूसरा उन्हें कह रहे हैं कि आपके घर में शैतान है, आपके घर में ये है वो है, और आने के भी 500 रुपए है। पता नहीं, मैंने तो यहां पे लोगों को, है ना, अभी मेरे पास इतना
कुछ तो नहीं है, पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत कुछ दे चुके हैं, पर मैं उससे ही लोगों की फिर भी हेल्प करता हूं। क्या करता हूं? लोगों की हेल्प करता हूं। अगर कोई ज्यादा कहे मेरे पास किराया नहीं है, तो मैं कहता हूं कोई नहीं, आज वो हम देंगे। क्या कहेंगे? हम देंगे। और ये इतने सालों से परेशान थे, फिर ये इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में आए, पांच चर्च पांच साल के बाद। और जब जी यहां पे भी आए, तो यहां पे भी इन्हें वही खेड़, वही दुष्ट आत्मा वाली खचीज समझे, जिसे चौंकी बोलते हैं ये, तो वही खेड़ दुष्ट आत्मा इन्हें इनके ऊपर हैवी हुआ। यहां पे जब मैंने पहली बार ऐसी चंगाई, जब ये आई, तो मैंने कमांड किया और दुष्ट आत्मा चलेगी। जब वे फिर आए, तो फिर दूसरी बार भी आ गई। जब दूसरी बार आए, तो फिर मैंने कमांड किया और चलेगी दुष्ट आत्मा। और फिर तीसरी बार इनके ऊपर जब फिर दुष्ट आत्मा जब आई तीसरी बार, फिर मैंने आत्मा में समझा इन्हें कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। फिर मैंने इन्हें टीच किया, सिखाया, समझाया। क्या कारण है कि आपके ऊपर बार बार दुष्ट आत्मा आ रही? बोलो, क्या कारण है कि आपके ऊपर बार बार दुष्ट आत्मा आ रही है? समझ रहे हो? तो फिर मैंने जब इन्हें टीच किया, सिखाया, उसके बाद जब वे फिर आए, तो फिर इनके ऊपर दुष्ट आत्मा तो आई, चौथी बार भी इनके ऊपर मेरे सिखाने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी दुष्ट आत्मा आई। क्यों आई? बोलो। कभी कभी देखो, मैं एक आत्मिक बंदा हूं, और मैं दुष्ट की सब युक्तियों को जानता हूं, और मैं किसी चीज से हारने वाला नहीं, समझते हो। जब चौथी बार आई, तो मुझे, मैं समझ चुका था शैतान आज फिर क्यों आया। मैंने टीच किया, समझाया, मेरा मन उसे ऐसे, तब मेरे मन में एक बार आया, ये तो फिर आ गई, तूने तो सिखाया समझाया, पर मैं उसकी युक्ति को समझ गया, वो मेरी आत्मिकता को खराब करना चाहता है। बोलो। पर मैंने अपने मन में ऐसे विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर, बस आज इसका लास्ट दिन है। क्या है? हम उस सीन को देखेंगे जब इन पर चौथी बार दुष्ट आत्मा आई और उसके बाद ये बिल्कुल फ्री हो गई। हम उस सीन को देखेंगे। हाँ, दिखाना मीडिया टीम, उस सीन को दिखाना। निकल, आज जो करना है कर, पर आज तुझे जाना पड़ेगा। आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ इन्हें। चल आ जा, चल आज चल शैतान, तुझे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर, चल पूरी रीति से, चल आज, चल चल शैतान, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट, चल आज, चल आज, चल आज, आज तेरी कोई नहीं चलेगी, छड़ दो, छड़ दो, की कर लेंदा, चल कर, चल, चला, चल कर जो करना कर, करते रहो, चल आगे, चल आ जा, चल, चल शैतान, आज तेरा काम खत्म है, चल तेरा काम खत्म है, चल चल, देखो देखो देखो, फट गया, चल तेरा काम खत्म है, चल चल चल, छोड़, चल छोड़, चल 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 चल, सीधा करो, चलो शैतान, उठाओ उठाओ उठाओ, आज ये कुछ नहीं, उठाओ उठाओ, तू कुछ नहीं है, देख इधर तेरे सामने कौन है, देख तू कुछ नहीं है, मैं जानता हूं तू जो भी है, देख तेरे सामने कौन है, देख को लखा, ओ शैतान, चल देख, देख तेरे सामने कौन है, देख, देख तेरे सामने कौन है, देख, देख अभी, देख मेरी आंखें, देख तेरे सामने कौन है, कौन है, बोल तेरे सामने कौन है, हैं? रोज रात को ना, रोज मैं खाली ना, तोड़ तोड़ के कुत्ता हूँ, हैं? रोज, रोज उधर आ
अच्छा ते तेनु फिर खाना तोड़ तोड़ ते अच्छा चल फिर चल आज ओए बदतमीज बदतमीज दुष्ट आत्मा चल छड़ छड़ दो बिल्कुल छड़ उठाओ चल निकल चलो शैतान चल चल अभी चल चल उठाओ 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 देख देख उठाओ चल चलो शैतान चल छोड़ छोड़ चलो चल यीशु मसीह के नाम से गंदी दुष्ट आत्मा तुझे मैं पूरी तरह से आशीष के शरीर से डिस्कनेक्ट कर दोबारा कभी इसके जीवन में प्रवेश नहीं करना चल आज से पूरी तरह से आउट गो फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हील आउट चल चल आउट चल शर्ट फ्री फ्री थैंक यू जीसस छोड़ दो चल जो मैंने कहा वो हो चुका है चल आज चल आ गया हूं सुनो आंख खोलो बोलो आप विश्वास करते हैं बोलो हाँ जी मैं तेन अच मिलंगा और मैं दसंगा की करना तू अज तो पूरी तरह फ्री हो यीशु मसीह के नाम च बोलो की हो बोलो क्योंकि यीशु मसीह तोड़ा उद्धार करता है कौन है मुक्तिदाता और तनु फ्री कर चुका है बोलो कर चुका के नहीं कर चुका आमीन आमीन तो ये उस समय का एक क्लिप है ये सीन है जो हमने रखा था और आज परमेश्वर ने इन्हें उस बीमारियों से तकलीफों से उस बोझ से पूरी तरह आजाद किया है क्या किया है आजाद किया है बोलो पूरी तरह से बोलो क्या कर दिया है पूरी तरह से आजाद कर दिया है आज परमेश्वर ने आजाद तो कर दिया बोलो पर एक समस्या आ गई इनका जीवन तो अच्छा हो गया पर इनके सामने एक समस्या आ गई क्या आ गई समस्या वो समस्या ये कि इनको प्रभु ने जिसने खुद अपना जीवन सूली पर दिया और हमें एक अच्छा जीवन दिया उस प्रभु ने इनका जीवन तो अच्छा कर दिया पर आज प्रॉब्लम ये समस्या ये आ गई है आज इनके पति यहाँ पे परमेश्वर के पास आने से इन्हें रोकते क्योंकि पिछले संडे जब जी अपनी इनकी बहुत चाहत है कि मेरी फैमिली मेरा परिवार भी क्या करे वो भी किस पर विश्वास करें और वो भी उद्धार पाएं इस जीवन को पाएं सत्य को जाने इनकी बहुत चाहत है पर जब ये पिछली बार अपने बेटे को लेकर आए यहाँ पे चर्च में तो जब जे घर गए तो इनके पति ने इन्हें बहुत बुरा भला कहा बहुत ऐसे डांटा जैसे गाली भी जैसे देते हैं तो बहुत डांटा ऐसे इन्हें कहा कि तूने जाना तो नहीं ऐसे नहीं ऐसे जब बेटा ये बेटे को लेकर आई तो इनके पति ने कहा क्या कहा थोड़ा बताओ उन्होंने क्या है तू आप जाना तो जाते मेरे बेटे ने मेरा घर में सारा पिंड में सही सही कहन लग पिया हाँ अभी तूने जाना तो जा मेरे बेटे को लेकर नहीं जाना सारा पिंड मेनू की कह रहा है साई की कह रहा है साई तो इन्होंने आप तो क्या ये भी कहा था उन्होंने कि अगर उसको लेकर ऐसे गए तो मैंने क्या कर देना तुम्हारी ऐसे कुछ कह रहे थे ना उन्होंने क्या ही भी तो मतलब बार बार तो हटना कि नहीं हटना मैं क्या भी मैं नहीं हाँ मतलब बार बार जान तो हटना कि नहीं हटना नहीं तो मैं दूसरे तरीके से तुझे मतलब समझ नहीं पंजाबी को वर्ड दूसरे तरीके न मैं समझावा फिर तेन दसा बता फिर मैं तो किस तरह दस दी है ना जब इनके पति ने इन्हें ऐसे कहा कि दूसरे तरीके से तुझे बताऊं फिर वहां से जाने के लिए तू हटती नहीं है ना बार बार बस
चले जाती है। तूने कहा कि मुझे प्रभु ने जीवन दिया है। इन्होंने कहा आपको पता जब मैं मंजे पर थी चारपाई पे, तो आप कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, अपने माइक के जल जा, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको पता उसी प्रभु ने मुझे अच्छा किया है, उसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। इस बहन ने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती, अपने पति को कहा मैं तुझे छोड़ दूंगी। देखो इन्होंने कहा मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने पति को कहा मैं तुझे छोड़ दूंगी, पर प्रभु को नहीं, क्योंकि समझ आ गई सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। बोलो, और कितने लोग हैं अभी जो ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, ये वो हम तो महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, दो महीने हो गई, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने नहीं जाना। आप तो कहते थे हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी परमेश्वर की सच्चाई और उसके प्रेम को नहीं जाना जो इन्होंने जाना। बोलो, क्योंकि इन्हें समझ आ गई सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। इसीलिए इन्होंने अपने प्रभु को जब छोड़ने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा मैं प्रभु को नहीं आपको छोड़ दूंगी। क्या करूंगी मैं आपको छोड़ सकती हूं पर प्रभु को नहीं। और मैं चाहता हूं कि सबका मन ऐसा हो जाए, सबके मन के अंदर मसीहा का प्रेम ऐसे ही आ जाए। बोलो, सबके अंदर मसीहा का प्रेम ऐसे ही आ जाए। और आज आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हो मुझे आप आज बताओ, कि आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, आपके जीवन को अच्छा किया, आप क्या चाहते हो अभी आप बताओ। मैं चाहती हूँ अभी मेनू परमेश्वर पवित्र आत्मा ने पूरा जिदा तू है तार नमसा काम करता मेरे नाल करे, मैं लोगों दे जीवन बचावा। हाँ, अभी इनकी चाहत है कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवनों को बचाऊं, जो लोग अंधकार में, पाप में, दुखों में, प्रॉब्लम में, इनकी चाहत है क्या मैं बहुत सारे लोगों के जीवन को बताऊं। क्या आपकी भी है? अगर आपका जीवन बचा है तो आपकी भी चाहत होनी चाहिए ना, कि मैं औरों का जीवन बचाऊं जैसे इनके अंदर चाहता है। बोलो, और आज से मुझे परमेश्वर ने कहा हर बंदा जो अपना टेस्टामनी आज से अपनी गवाही देगा, वो साथ में अपनी चाहत बोलेगा कि मेरी चाहत है कि जैसे मेरे जीवन को प्रभु ने अच्छा किया, मुझे ब्लेस किया। हर बंदा अपनी आज से चाहत बोलेगा कि मेरी चाहत है कि मैं ये करना चाहती हूँ प्रभु की, उसके शुभ समाचार को लोगों को बचाना चाहती हूँ उसकी, है ना, कुछ भी सेवा बहुत प्रकार की है ना, समझे। तो आज से अपने हर एक इंसान ने आज से अपनी चाहत को बताना है, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं जो आपकी चाहत है परमेश्वर आपको बहुत बढ़ा चुके हैं, और आपकी पूरी फैमिली को परमेश्वर यहां पे लेकर आ चुके हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।